Hi everybody, I am Arzu from Arzu Trends. Welcome back to my channel. Dear viewer, today's video is about hair mask. इस हेयर मास्क में सबसे पहला इन्ग्रीडियंट जो यूज़ करेंगे वो है योगर्ट. योगर्ट आपके हेयर्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और ग्रोथ को भी प्रमोट करता है. आपने एक बाउल में 5 to 6 टेबल स्पून योगर्ट लेना है. उसमें 1 टेबल स्पून आपने हिना ऐड करना है. हिना के भी बहुत से बेनिफिट्स हैं. ये आपके डल और डैमेज हेयर को रिपेयर करता है. सेकेंडली, ये आपके हेयर को ब्राउन कलर इम्पार्ट करता है. आपने साथ साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है. उसके बाद जो आप इसमें ऐड करेंगे वो है एग वाइट. एग वाइट आपके हेयर्स में से डैंड्रफ ख़त्म करता है और आपके हेयर फॉल को भी कंट्रोल करता है और हेयर्स को स्मूद और शाइनियर बनाता है. नेक्स्ट जो इन्ग्रीडियंट हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं वो है एलमंड ऑयल. एलमंड ऑयल आपके हेयर्स को स्ट्रॉन्गर बनाता है और स्प्लिट एंड्स को ख़त्म करता है. यहाँ पे आपने प्योर एलमंड ऑयल यूज़ करना है, सिंथेसाइज्ड एलमंड ऑयल यूज़ नहीं करना. प्योर एलमंड ऑयल के अपने बेनिफिट्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू सिंथेसाइज्ड एलमंड ऑयल. नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट जो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं वो है एलोवेरा जेल. एलोवेरा जेल एज अ नेचुरल कंडीशनर यूज़ होता है. हेयर्स को स्ट्रेटन करता है और उसमें शाइन ऐड करता है. अब इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं विटामिन ई कैप्सूल. विटामिन ई कैप्सूल आपके स्कैल्प को सपोर्ट करता है, आपके रूट्स को स्ट्रॉन्गर बनाता है और ये एज अ एंटीऑक्सीडेंट भी यूज़ होता है. इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं. नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हम यूज़ करने जा रहे हैं वो है लेमन. लेमन आपके फॉलिकल्स को अनक्लॉग करता है, विच एज अ रिजल्ट रिड्यूसेस हेयर फॉल एंड डैंड्रफ. लेमन ऑप्शनल है. अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप इसको यूज़ मत करें. अब आप इसको अच्छे से मिक्स करें, एक स्मूथ सी पेस्ट बनाएं ताकि सब इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाएं. इसके बाद इसको अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी. अप्लाई करने का तरीका ये है कि आप अपने हेयर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट. इससे ये होता है कि आप अच्छे से रूट्स में अप्लाई कर सकते हैं इस मास्क को. और इस मास्क का फ़ायदा ही तब है कि आप इसको अच्छे से रूट्स में अप्लाई करें. आप हाफ हेयर टाई करें और मैं हमेशा मास्क लोअर पार्ट से लगाना शुरू करती हूँ. आप इसको इस तरह लगाएंगे कि आपके सब हेयर्स कवर हो जाएं. आप अपने हेयर्स को मुख्तलिफ सेक्शंस में डिवाइड करें और इसको रूट्स में लगाएं. लोअर पार्ट में लगाने के बाद आप अपर पार्ट को डिवाइड करें, सेंटर पार्टिंग करें, फिर उसको मास्क को वहाँ पे अप्लाई करें. इस तरह से मास्क आपके रूट्स में अब्जॉर्ब होगा और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे.
व्यूअर्स, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।